वेलकम टू दिल्ली एक्सप्रेस। वेल दोस्तों, इंडियन आइडल कंटेस्टेंट दिबोश मिता रॉय को क्या किया जा रहा है शो से किनारा? क्या दिया नहीं जा रहा उन्हें प्रॉपर अटेंशन जो उन्हें मिलना चाहिए था? वेल, देश की जनता कर रही है दिबोश मिता रॉय को जमकर सपोर्ट, दे रही है उन्हें दिल खोल कर प्यार, और शो के टीआरपी में भी दिबोश मिता की गरीबी ने काफी मदद की है इंडियन आइडल की। ये बात तो सभी जानते हैं, तभी तो हर वीकेंड जैसे ही शो में दिबोश मिता के गाने की बारी आती है तो उसके हुनर को गिनाने से पहले उसकी गरीबी को उछाल उछाल के गिनाया जाता है, लोगों को बताया जाता है और हर बार ही उसका एक अलग सीन ड्रामा क्रिएट किया जाता है। लेकिन बावजूद इसके दिबोश मिता रॉय की ग्रेट सिंगिंग को किया जा रहा है इग्नोर। वेल, आपको बता दें, ये बातें सोशल मीडिया पर इस वक्त दिबोश मिता के फैंस कह रहे हैं, जो लगातार मेकर्स के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि दिबोश मिता रॉय को इग्नोर किया जा रहा है। दिबोश मिता की आवाज बहुत ही ज्यादा प्योर है एंड शी इज रियली वेरी टैलेंटेड, लेकिन उन्हें उस तरह से प्रमोट नहीं किया जा रहा जिस तरह से बाकियों को किया जा रहा है। वेल दोस्तों, बात करें सोशल मीडिया अकाउंट की, तो जहां हर एक कंटेस्टेंट के सोशल मीडिया अकाउंट को प्रॉपरली मैनेज किया जा रहा है, लगातार उनके पोस्ट्स को अपडेट किया जाता है, जिसमें विदिप्ता, ऋषि सिंह, चिराग कोतवाल, काव्या लिमय, सेंचुति दास के साथ साथ रूपम, अनुष्का पात्रा जैसे कई और कॉन्टेस्टेंट्स का नाम शामिल है। तो वहीं दिबोश मिता के सोशल मीडिया अकाउंट पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, बिल्कुल नहीं नजर आता जितना बाकी कॉन्टेस्टेंट फीमेल कॉन्टेस्टेंट के लिए दिया जाता है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि दिबोश मिता के आउटफिट्स के ऊपर भी प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हें जानबूझकर इस तरह के कपड़े दिए जाते हैं जिससे कहीं ना कहीं उनकी गरीबी को झलकाया जा सके। और साथ ही साथ हर एक कॉन्टेस्टेंट को कौन से दिन पर किस गेस्ट के सामने गाना है ये भी डिसाइड किया जाता है। तभी तो राजश्री प्रोडक्शन के मालिक सूरज भरजातिया के आगे विदिप्ता की परफॉर्मेंस कराई गई, लेकिन उससे एक दिन पहले मीनाक्षी से शद्री के आने पर दिबोश मिता की परफॉर्मेंस को रखवाया गया ताकि विदिप्ता हाईलाइट हो सके प्रोडक्शन हाउस, राजश्री प्रोडक्शन हाउस के आगे। वेल, आप क्या कहेंगे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूल।